बापू जी ने मातृ पितृ पूजन का शंखनाद किया, क्योंकि एक संत के हृदय में ये पीड़ा कि आज विदेशी कल्चर का इतना भारत भूमि पर प्रभाव बढ़ रहा है कि विदेशी अपना जोर इतना जमा रहे हैं कि जो युवा पीढ़ी पढ़ लिख कर बड़ा होकर अपने माता पिता का महत्व समझना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, वो युवा पीढ़ी अब तबाही के रास्ते जा रही है। एक संत के हृदय की पीड़ा, वृद्ध आश्रम बढ़ते जा रहे हैं, क्या माता पिता हमारे वृद्ध आश्रम छोड़ने के लिए बचे हैं? हमारी पढ़ाई लिखाई क्या इस बात के लिए है कि हम पढ़ाई लिखाई करके और माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़कर आ जाएं जब उनको हमारे सहारे की जरूरत है? तो ये किसी और के मन में पीड़ा हो न हो, लेकिन एक संत के हृदय में पीड़ा जरूर होती है। और ये संत ने इस पीड़ा को ध्यान में रखते हुए कुछ वर्षों पहले मातृ पितृ पूजन दिवस का शंखनाद कर दिया और उसकी सुवास ऐसी फैली कि आज दिनों दिन ये कार्यक्रम केवल भारत में ही नहीं लेकिन विदेशों में भी मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जा रहा है। हर वर्ष तो बड़े बड़े महानुभावों के लेटर आते हैं, पत्र आते हैं, लेकिन इस वर्ष भी यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने, गडकरी जी ने और भी बड़े बड़े महानुभावों ने श्री योग वेदांत सेवा समिति को पत्र जारी किया है कि ये बापूजी के द्वारा जो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे नहीं मनाकर मातृ पितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम रखा गया है, ये बहुत सुंदर कार्यक्रम है और ऐसा पूजन घर घर में होना चाहिए, जगह जगह होना चाहिए, गली गली में होना चाहिए, गांव गांव में होना चाहिए। कुछ वर्षों पहले तो इसकी किसी ने हंसी भी उड़ाई होगी कि ये लोग बड़े निकल पड़े हैं, लेकिन आज बापूजी की असीम कृपा, बापूजी की असीम दया से, कृपा से, संकल्प से और साधकों के अथक प्रयास से आज ये मातृ पितृ पूजन जगह जगह, गली गली, घर घर मनाया जा रहा है। शास्त्रों में आता है, भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलना नहीं, उपकार अनगिनत है इनके इस बात को भूलना नहीं, धन खर्चने से मिलेगा सब कुछ, माता पिता मिलेंगे नहीं। हम संसार की कोई भी वस्तु ले सकते हैं, कोई भी चीज ले सकते हैं, रुपया पैसा देकर संसार की सारी चीजें मिल सकती हैं, लेकिन मैंने अपनी इतनी उम्र में कभी नहीं देखा है कि कहीं बोर्ड लगाया हो कि यहाँ पर माता पिता मिलते हैं, आप लेकर जाइए। जयराम जी की बोलो, आप बोल सकते हो, नाराज तो नहीं हो? भगवान का नाम लेने में कोई खर्चा आएगा नहीं। कोई जोर पड़ेगा नहीं। कोई मेहनत होगी नहीं। बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे, तो यहाँ तो सोसाइटी के बच्चे भी हैं बहुत अच्छे, है ना भाई? अच्छी सोसाइटी के अच्छे बच्चे हो कि नहीं? अच्छी सोसाइटी के अच्छे बच्चे हो ना? हाँ, तो बोलो जयराम जी की। देखो, पढ़ लिखना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन पढ़ लिख कर संस्कारों सहित बाहर निकलना ये बड़ी चीज है। हमारे रामचंद्र जी के जीवन में क्या था कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावहीं माता, प्रातःकाल उठ के सबसे पहले अपनी माता पिता को प्रणाम करते थे, गुरुजनों का आदर सत्कार करते थे। आप लोग भी बच्चे माता पिता को प्रणाम करोगे? हाँ। करोगे कि नहीं? हाँ। जोर से बोलो। हाँ। सभी करेंगे ना? हाँ। अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हो? हाँ। याद शक्ति बढ़ाना चाहते हो? विद्यार्थी जीवन सफल जीना चाहते हो? आप चाहते हो कि अच्छे नंबरों से पास हो? तो क्या करोगे कि रिमोट लेकर टीवी चला के बैठ जाओगे? शाबाश है, समझ के बोलते हैं बच्चे। तो अच्छे माता पिता के बच्चे और अच्छे संस्कारी बच्चे जिनको अच्छा जीवन जीना है, याद शक्ति बढ़ानी है, विद्यार्थी जीवन सफल बनाना है, वे सुबह जल्दी उठते हैं। ठीक है, जल्दी उठोगे सूर्य उदय के पहले? हाँ। उठोगे ना? बच्चे अपनी तरफ से बोलें, बोलो। हाँ। सभी? हाँ। पक्की बात है? हाँ। और क्या करोगे? याद शक्ति बढ़ाने के लिए बताऊं? याद शक्ति बढ़ाने के लिए बताऊं? हाँ। सूर्य देवता को जल चढ़ाना है, कैसे चढ़ाओगे? घर में तांबे का लोटा हो या जो भी बर्तन हो, उससे सूर्य देवता को जल चढ़ाना है, ऐसे।
है? कैसे चढ़ाओगे? सूर्य देवता को ऐसे जल चढ़ाना है, करो सभी करो। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम बानवे नमः, ओम रवये नमः, ओम आदित्याय नमः। अगर ऐसे मंत्र याद न पढ़ते हो तो भी भगवान को, सूर्य देवता को जो भी आता हो जल चढ़ाना, उससे याद शक्ति बढ़ेगी। और सूर्य देवता की सुबह हल्की हल्की किरणें हमारे नाभि, नाभि समझते हो? नाभि समझते हो? नाभि जिसमें भगवान राम जी ने रावण को तीर कहाँ मारा था? नाभि में मारा था, मारा था। हाँ, तो नाभि में हमारे सूर्य देवता की हल्की हल्की किरणें पड़े तो हमारे पेट की बीमारियां भाग जाती हैं। क्या होता है? पेट की बीमारियां चली जाती हैं। पेट में कभी दर्द होता है ना, हाँ, फिर चिल्लाते हैं मम्मी दर्द हुआ, मम्मी दर्द हुआ, मम्मी पूछते क्या खाया, बोलते हैं ना ऐसा। हाँ, तो सूर्य देवता की अगर किरणें नाभि पे लोगे तो फिर थोड़ी देर, 5-10-15 मिनट, ज़्यादा नहीं, ठीक है। विद्यार्थी जीवन सफल जीना चाहते हो तो क्या करोगे? सुबह उठकर क्या करोगे? हाँ, जल चढ़ाएंगे। दूसरा, तुलसी माता का नाम सुना है? तुलसी सुना है? 5-7 तुलसी के पत्ते चबा चबा कर खाना, 1 गिलास पानी पीना, उससे याद शक्ति बढ़ेगी। विद्यार्थी जीवन तब सफल होता है जब याद शक्ति अच्छी होगी। अगर पढ़ा हुआ याद नहीं पड़ेगा तो क्या फायदा? तो याद शक्ति अच्छी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, तो क्या करोगे? दूसरा प्रयोग बताया ना मैंने अभी, 5-7 तुलसी के पत्ते चबाकर खाना है, 1 गिलास पानी पीना है, रविवार को नहीं खाना है, संडे हॉलीडे, तो तुलसी से भी हॉलीडे। हॉलीडे बोलते कि हॉलीडे बोलते हैं? हैं, हॉलीडे। एक आदमी पता है क्या करता था, हर संडे को पिचकारी लेकर पड़ोस वालों को भिगाता था। अरे भाई क्या करता है? बोले, बोलते ना संडे इज अ हॉलीडे। तो किसी ने समझाया, भाई हॉलीडे नहीं, हॉलीडे, तो संडे इज अ, हाँ, तो उस दिन तुलसी का पत्ता नहीं खाना चाहिए संडे के दिन, ठीक है। तो सभी बच्चे खाओगे? तो देखो, तुलसी के 5-7 पत्ते खाने हैं, खाओगे? पक्की बात है? दूसरा, सूर्य देवता को? तीसरा, आज जो कार्यक्रम का खास उद्देश्य है वो है मातृ पितृ पूजन दिवस। माता ने कष्ट सहकर हमको जन्म दिया, दिया कि नहीं दिया? पिता दिन भर मेहनत करके, पसीना बहा के, कमा के हमको अच्छा अच्छा खिलाते हैं, अच्छी अच्छी स्कूल में भेजते हैं, खुद माता पिता फटे पुराने कपड़े पहनते हैं लेकिन हमको अच्छे कपड़े पहनाते हैं, अच्छी स्कूल में भेजते हैं, अच्छी किताबें लेकर देते हैं, अच्छा बूट लेकर देते हैं, अच्छा सब कुछ लेकर देते हैं ताकि हमारे बच्चे अच्छे दिखें, अच्छे पढ़ें। करते हैं कि नहीं ऐसा? तो ऐसे माता पिता का आदर करेंगे कि अनादर करेंगे? ऐसे माता पिता का पूजन करेंगे? हाँ, तो ऐसे माता पिता का हम बच्चों को सबको पूजन करना है 14 फरवरी के दिन, ठीक है। कैसे करेंगे? यहाँ पे अभी यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। हमारे रामचंद्र जी का नाम सुना है? भगवान राम का नाम तो सुना है कि नहीं, सबने सुना है? ऐसे रामचंद्र जी भी सुबह जल्दी उठते थे, सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करते थे, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते थे। तो जो बच्चे स्कूल में शिक्षकों की बात ध्यान से सुनते हैं, उनका आदर करते हैं, वे बच्चे बड़े होकर अच्छी जगह पर पहुंचते हैं। और जो बच्चे विद्यार्थी काल में शिक्षकों की बात का ध्यान नहीं देते, माता पिता की आज्ञा नहीं मानते, बड़े बुजुर्गों का आदर नहीं करते हैं, वे बच्चे बड़े होकर फिर स्टेशन पर जाते हैं, उठाते हैं और बोलते हैं सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। तो ऐसा तो नहीं करना है ना, जिस कार्य जो काम जिस समय का हो उसको उस कम समय करना चाहिए, ठीक है। खेलने कूदने का समय है तो खेल कूद की भी मना नहीं है, लेकिन जब पढ़ने का समय है तो पढ़ाई भी करना है,
स्कूल जाने का समय है तो स्कूल भी जाना है, तुलसी के पत्ते खाने का समय तो तुलसी के पत्ते भी खाने हैं। तो तुलसी के पत्ते कब खाने हैं कि सुबह जब सूर्य उदय हो उस समय भूखे पेट हैं। ऐसा नहीं कि भोजन भोजन कर लिया, खाना वाना खा लिया, बाद में तुलसी के पत्ते खाने, नहीं तब नहीं खाना है, सुबह जल्दी खाना है। सूर्य देवता को जल कब चढ़ाएंगे? सुबह जल्दी उठकर चढ़ाएंगे, ठीक है ना। सुबह जल्दी उठकर सूर्य देवता को जल चढ़ाना, ऐसा नहीं नाश्ता कर लिया चाय पी ली बाद में सूर्य के आगे लोटा लेकर खड़े हो गए, नहीं। सुबह जल्दी उठकर, जैसे घर में कोई मेहमान आता है तो वेलकम कब करते हैं कि जब वो आता है तब करते हैं ना, कि घर में आया सोया खाया पिया नाश्ता किया फिर बोलते आओ आओ वेलकम वेलकम, ऐसा करते हैं क्या? ऐसे ही सूर्य देवता जब उदय होते हों उस समय सूर्य देवता को जल चढ़ाना होता है, ठीक है। सभी सीधे बैठो, अच्छा लग रहा है सभी बच्चों को? आपका ज्ञान बढ़ रहा है, विद्यार्थी जीवन उन्नत बनाने में मदद मिलेगी ना। आजकल के बच्चे क्या है, पढ़ाई लिखाई तो कर लेते हैं लेकिन माता पिता का हमको पूजन करना चाहिए, संस्कार हमारे जीवन में होने चाहिए, इस बात को बच्चे भूल जाते हैं। तो ऐसे संस्कार हमारे रामचंद्र जी के जीवन में थे, ऐसे संस्कार श्रवण कुमार के जीवन में थे। श्रवण कुमार अपने माता पिता, अंधे माता पिता को तीर्थों की यात्रा कराने के लिए लेके गए थे। ऐसे हमारे श्रवण कुमार जी माता पिता का आदर करते हैं। वैलेंटाइन डे मनाने वालों का आदर सत्कार हमने नहीं देखा सुना है, लेकिन मातृ पितृ पूजन करने वाले भीष्म पितामह का हम आदर सत्कार करते हैं। भीष्म पितामह कैसे थे कि अपने पिता की आज्ञा मानकर आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत ले लिया और अपनी आज्ञा, अपने पिता की, उनकी आज्ञा का मान रखा। तो आज हम भीष्म पितामह का आदर करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो ऐसे मातृ पितृ पूजन दिवस जो मनाते हैं उनका आदर होता है। और केवल बच्चे ही नहीं, लेकिन यहाँ पर माता पिता से भी मेरी ये प्रार्थना रहेगी कि अपने बच्चों को ऐसी अच्छी संस्कार देने वाली जगहों पर भेजें, बाल संस्कार केंद्रों में भेजें, ताकि बच्चों में ऐसे अच्छे संस्कार आवें। क्योंकि आजकल पढ़ाई लिखाई खूब हो जाती है लेकिन संस्कारों से बच्चे वंचित रह जाते हैं। जय राम जी की। हमारे रामचंद्र जी ने पहले दीक्षा ली है गुरु से, बाद में शिक्षा ग्रहण की है। लेकिन आजकल शिक्षा मिल जाती है लेकिन दीक्षा का पता ही नहीं होता है, संस्कारों का पता ही नहीं होता है। तो बच्चे पढ़ लिख तो लिख जाते हैं लेकिन माता पिता को फिर वृद्धाश्रम का रास्ता दिखाते हैं। तो हम अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर हमारी सेवा करें, हमारी आज्ञाओं का पालन करें, तो हम उनको रुपया पैसा गाड़ी मोटर बंगला आदि कम देंगे ज़्यादा देंगे उसका कोई महत्व नहीं है, वो थोड़ा बहुत कम होगा तो चलेगा। लेकिन अगर ये संस्कार देंगे तो वो संस्कारों से ऐसे जिएगा कि अपना जीवन तो उन्नत करेगा, आपका नाम रोशन करेगा, अपने देश का नाम उज्ज्वल बनाएगा। शास्त्रों में आता है कि माता पिता और गुरुजनों की आदर करने वाला चिरण आदरणीय बन जाता है। इसीलिए कहते हैं कि भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलना नहीं, अगणित है उपकार इनके इस बात को भूलना नहीं, धन खर्चने से मिलेगा सब कुछ माता पिता मिलेंगे नहीं। तो ऐसा मातृ पितृ पूजन दिवस का यहाँ पर आज सुंदर कार्यक्रम समिति के द्वारा रखा गया है, उसकी भी यहाँ पर आप आज यहाँ पर एक झलक आपको दिखाई जा रही है। लेकिन 14 फरवरी को जब आप घर में माता पिता का पूजन करें तो और अच्छे से करना, क्योंकि सामूहिक में व्यवस्था हर चीज़ की बनाना कठिन होता है, लेकिन जब हम घर में करते हैं तो पर्सनली होता है, वहाँ ज़्यादा व्यवस्था की जरूरत नहीं होती है। तो माता पिता को थोड़ा ऊँचे आसन पर बिठाएं उस दिन। और केवल 14 फरवरी को क्यों, मैं तो कहूँगा घर में रोज ही मातृ पितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम होना चाहिए। जयराम जी की। इसमें कोई खर्चा है ज़्यादा? और कुछ हम ज़्यादा न कर सके, चलो फूल लाना पड़ता है, चावल लाने पड़ते हैं, व्यवस्था बनानी पड़ती है, तो कम से कम बच्चे घर में इतना तो कर सकते हैं कि जब स्कूल जाएँ कहीं जाएँ तो माता पिता के पैर पड़ के जाएँ। इतना तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इतना करने में कोई खर्चा आएगा? और बच्चियां हैं तो दोनों हाथ जोड़कर भगवान का नाम लेकर जाएं, और बच्चे हैं तो माता पिता का पैर पड़ के जाएं, इसमें कोई खर्चा है? कोई समय ज़्यादा लगेगा? लेकिन पैर भी ईमानदारी से पढ़ना। अब बाप बोलोगे ये बेईमानी से कैसे पैर पढ़ना हुआ, तो ईमानदारी और बेईमानी का पैर पढ़ने में ये अंतर होता है कि आजकल घुटने तक हाथ लगाए लगाए और भाग जाते हैं,
मैं जा रहा हूँ, मेरे को देर हो रही है, जैसे तेरा प्लेन छूट रहा है। ईमानदारी से मतलब माता पिता के चरणों में हाथ रखा और वो हाथ अपने मस्तक पे रखे, यहाँ पे रखे, तो देखो भाग्य की रेखा कैसी बदल जाती है, करके देख लो। और बच्ची है तो दोनों हाथ जोड़कर जो भी भगवान का नाम अच्छा लगे, हरिओम बोलो, राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, जय अम्बे माता बोलो, जिस भगवान को मानते हो जय श्री कृष्ण बोलो, हाथ जोड़कर माता पिता का आशीर्वाद लेकर जाओ। इतना तो कर सकते हैं बच्चे, और माता पिता भी बच्चों के मस्तक पर स्नेह भरा, दया भरा, ममता भरा हाथ फेरें, उनको आशीष दें ताकि हमारे बच्चे सफल जीवन जिए। माता पिता का आशीर्वाद जितना जीवन में काम करता है उतना संसार का कोई चीज काम नहीं करती। माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद में वो दम होता है। और जो बच्चा माता पिता के आगे झुक गया ना, समझो संसार के आगे उसको झुकने की नौबत नहीं आएगी। तो ऐसे माता पिता का पूजन का सुंदर अवसर हमको यहाँ पर मिल रहा है।